आज हम आपको ऐसे ही एक वीर योद्धा के बारे में बताने जा रहे हैं जिनका नाम था सूबेदार जोगिंदर सिंह, जिन्होंने अपनी मातृभूमि के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी थी। इनकी कहानी आज हम आपके सामने लेकर हाजिर हुए हैं। भारतीय इतिहास में 1962 का युद्ध बहुत ही अहमियत रखता है। भले ही इस युद्ध में हम चीन से हार गए थे, लेकिन हमारी सेना के जवानों ने चीनी सैनिकों का डटकर मुकाबला किया था। भारत चीन युद्ध के कई महावीरों की गाथा आज भी देश के कोने कोने में सुनाई जाती है। पंजाब के फरीदकोट जिले के मोगा के रहने वाले थे सूबेदार जोगिंदर सिंह। वो बचपन से ही इंडियन आर्मी में भर्ती होने का सपना देखते थे। यही वजह है कि 15 साल की उम्र में उन्होंने ब्रिटिश इंडियन आर्मी ज्वाइन कर ली थी। वो सिख रेजिमेंट का हिस्सा थे। 1948 में जब पाकिस्तानी कबालियों ने भारत पर युद्ध किया था, तब भी उन्होंने दुश्मन से लोहा लिया था। उसके बाद उनकी तैनाती भारत चीन बॉर्डर पर हो गई थी। 1962 में जब चीन ने हमला किया, तब जोगिंदर सिंह आईबी रिज और ट्विन पीक की रक्षा के लिए अपने 20 सैनिकों के साथ वहां पर तैनात थे। ट्विन पीक पर बिना हमला किए चीन भारत के त्वांग पर कब्जा कर नहीं सकता था, इसलिए उन्होंने मौका देखते ही 23 अक्टूबर 1962 को ट्विन पीक पर हमला कर दिया। बम ला पर असम राइफल्स के सैनिकों को तीनों ओर से घेरने के बाद उन्हें ऐसा लग रहा था कि वो इस पर आसानी से कब्जा कर लेंगे, मगर वो गलत थे। सूबेदार जोगिंदर सिंह और उनकी बटालियन ने खाई का फायदा उठाकर उनकी गोलियों का ताबड़तोड़ जवाब दिया। उन्होंने चीनी सैनिकों की एक बड़ी टुकड़ी को खदेड़ दिया। चीन ने फिर से करीब 200 सैनिकों की टुकड़ी को वहां भेजा। इस बार जोगिंदर सिंह के बहुत सारे सैनिक घायल हो गए और इनको भगाने के बाद भारतीय सैनिकों के पास असला बारूद भी कम पड़ गया था। जोगिंदर सिंह ने अपने कमांडर लेफ्टिनेंट हरिपाल कौशिक से गोला बारूद भेजने को कहा, मगर उस समय वहां तक गोला बारूद पहुंचाना मुश्किल था, इसलिए उन्होंने उसे पीछे हटने को उनसे कहा, मगर जोगिंदर और उनके सैनिकों ने पीछे हटने से इनकार कर दिया। सूबेदार जोगिंदर सिंह भी घायल हो चुके थे, लेकिन वो न खुद पीछे हटे बल्कि अपने घायल सैनिकों को दुश्मन का डटकर सामना करने के लिए प्रेरित भी किया। चीन ने एक बार फिर अपनी तीसरी टुकड़ी 200 सैनिकों की भेजी। इसका सामना भी भारतीय सैनिकों ने बड़ी ही दिलेरी से किया, मगर गोला बारूद खत्म होने के चलते उन्हें आत्मसमर्पण करना पड़ा। आत्मसमर्पण से पहले भारतीय सैनिकों ने बिना हथियार के चीनी सैनिकों को मार गिराया। 23 अक्टूबर 1962 को सूबेदार जोगिंदर सिंह युद्धबंदी के रूप में उन्होंने दम तोड़ दिया, लेकिन उन्होंने अपनी बंदूक के साथ चीनी सैनिकों का डटकर सामना किया। इसके बाद उनका अंतिम संस्कार चीनी सैनिकों ने किया। चीन सरकार ने 17 मई 1963 को भारत को उनकी अस्थियां सौंपी थी। सूबेदार जोगिंदर सिंह को भारत चीन युद्ध वीरता में लड़ने के मरणोपरांत परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया था। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।